नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे बताएंगे एक अच्छे से प्रॉपर रूम में पाइप को फिटिंग कैसे करते हैं, एकदम अच्छे से प्रॉपर रूम में कनेक्शन कैसे लगा करते हैं। आज हम यहाँ पे पूरी जानकारी दूंगा कि हमारा ये टी बुश है, ये बुश को हम यहाँ पे कनेक्टिंग कर दिए हैं टी में, पाइप में लगाएंगे हमारा टी। देखिए हम यहाँ पे सेलवेंट लगा दे रहे हैं, एकदम अच्छे से प्रॉपर रूम में सेलवेंट लगाकर अब यहाँ पे पाइप में भी हम राइट मेजरमेंट में कटिंग किए हुए हैं। अब यहाँ पे भी हम अच्छे से प्रॉपर रूप में यहाँ पे सेलमेंट लगाकर हम टी को मिलाएंगे। देखिए एकदम अच्छे से हमारा टी लग गया है। अब हमारा एक एल्बो है, एल्बो में भी हम यहाँ पे सेलमेंट लगा दिए हैं। अब छोटा सा हम पाइप को काट लिए हैं, काटकर अब इसमें हम जोड़ेंगे एकदम अच्छे से प्रॉपर रूप में कनेक्टिंग करके। अब देखिए अब इसको भी हम राइट मेजरमेंट में अब इसको कटिंग करेंगे। देखिए ग्लेंडर की मदद से थोड़ा सा हम मार्किंग करके तब काट रहे हैं। देखिए एकदम अच्छे से प्रॉपर रूप में हम यहाँ पे ग्लेंडर दोनों हाथ से मदद से, एक हाथ से हम पाइप पकड़े हैं, एक हाथ से हम ग्लेंडर पकड़े हैं। बहुत ही अच्छे से सावधानी पूर्वक ग्लेंडर चलाना चाहिए। देखिए अब हमारा ये पाइप एकदम अच्छे से कट गया है। अब यहाँ पे देखिए प्रॉपर रूप में हमारा पाइप में सॉकेट में छिल जाए, उसी लिए हम थोड़ा थोड़ा माइनस कर दिए हैं उस पर। अब यहाँ पे देखिए हम सॉकेट में हम यहाँ पे हम एल्बो में कनेक्ट कर रहे हैं, एकदम अच्छे से प्रॉपर रूप में हम सेलवेंट लगा दिए हैं। अभी पाइप जो बचा हुआ था उसमें भी हम सेलवेंट लगा देंगे एकदम अच्छे से प्रॉपर रूप में, एकदम अच्छे से सेलवेंट लगाकर चिरा देना चाहिए। देखिए हम यहाँ पे चिरा भी दिए हैं। अब हमारा ये सीधा कर रहे हैं कि हमारा पाइप एकदम सेंटर में आ जाए, कि पाइप और सॉकेट लगाने में दिक्कत ना हो, इसीलिए एकदम अच्छे से प्रॉपर रूम में देखिए हम राइट मेजरमेंट में लेवल रख के देख लिए हैं। अब यहाँ पे हम पाइप को थोड़ा बड़ा सा एक हम पाइप काटेंगे। देखिए वो पाइप को एकदम राइट मेजरमेंट में हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। थोड़ा पाइप हमारा टेढ़ा कटा हुआ था, इसीलिए अब हम यहाँ पे एकदम अच्छे से प्रॉपर रूप में उसको बराबर करेंगे। देखिए एकदम अच्छे से बराबर हो गया है एक तरफ, अब दूसरा तरफ भी हम उसको बराबर करेंगे कि सॉकेट में अच्छे से प्रॉपर रूप में कनेक्टिंग हो जाए। उसीलिए देखिए अब हमारा जो ये टी है, टी में हम यहाँ पे अच्छे से प्रॉपर रूप में सेलवेंट लगा दिए हैं। अब ऊपर के मदद से यहाँ पे देखिए जो हम पाइप काटे हुए हैं वो पाइप में हम यहाँ पे सेलवेंट लगा दिए हैं। सेलवेंट लगाकर टी में हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा छोटा सा पाइप चाहिए, अब इसको हम सॉकेट लगाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपर रूम में। हम यहाँ पे एल्बो में सेलवेंट लगा दिए हैं। सेलवेंट लगाकर अब यहाँ पे देखिए जो पाइप हम लगाए हुए हैं वो पाइप में भी सेलवेंट एकदम अच्छे से प्रॉपर रूम में हम लगाकर अब इसको हम कनेक्ट करेंगे। देखिए एकदम अच्छे से प्रॉपर रूम में घुमा घुमा कर अच्छे से प्रॉपर रूम में कनेक्टिंग कर रहे हैं। देखिए ऊपर हम टी बुश लगाए हुए हैं, अब टी बुश में हमको कनेक्टिंग करना है। अब इसके लिए हम यहाँ पे एकदम अच्छे से एल्बो लगाएंगे, एकदम राइट मेजरमेंट में पाइप को कटिंग करेंगे। देखिए हमारा मेन राइजर का फिटिंग हो रहा है, राइजर को फिटिंग करते वक्त बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। देखिए हम पूरा के पूरा एकदम अच्छे से प्रॉपर रूम में कनेक्शन कर दिए हैं, और एक हमारा ये बाकी है इसको भी हम राइट मेजरमेंट में कनेक्शन कर रहे हैं। देखिए एकदम अच्छे से अब यहाँ पे हम पाइप को मेजरिंग करके अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे कटिंग करेंगे ग्लेंडर की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपर रूम में हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। देखिए कल अबे हमारा पूरा नहीं पाइप कटा हुआ है, देखिए काटने में दिक्कत हो रहा था, हम अच्छा ब्लेड की मदद से एकदम अच्छे से कटिंग कर देंगे। देखिए अब कटिंग हो गया है, अबे थोड़ा थोड़ा घिस लेना चाहिए। अब यहाँ पे हम बुश में कनेक्ट करेंगे एल्बो। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हम सेलवेंट लगा रहे हैं, छोटा सा हमको पाइप को जरूरत है उसको मेजरिंग करके हम यहाँ पे पाइप काटे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा कटिंग करेंगे, हमारा पाइप थोड़ा बड़ा था अब उसको हम छोटा सा कटिंग कर लेंगे। अब हमारा अच्छे से प्रॉपर रूप में ग्लेंडर पकड़ के काटना चाहिए। देखिए हमारा पाइप कट गया है, अब इसमें हम सेलवेंट लगाएंगे अच्छे से। देखिए ये बुश है, बुश में भी हम ऊपर के भाग में हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। ये हमारा 50 mm का पाइप में हमारा 25 mm के पाइप कनेक्टिंग हो रहा है एकदम अच्छे से, बहुत ही अच्छे से प्रॉपर रूप में हम यहाँ पे कनेक्टिंग कर रहे हैं बुश लगाकर। देखिए एकदम प्रॉपर रूप में कनेक्शन कर देना चाहिए। देखिए हम थोड़ा हाथ के मदद से ठोक कर बैठा दिए हैं। ये राइजर का मेन सप्लाई फिटिंग हो गया है। थैंक यू, विश यू वेल्थ।